लौटे पुलिस ने रंगदारों की परेड निकाली है। दरअसल पुलिस लगातार बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड से वसूली करने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर डब्लू सिंह गिरोह के लिए मेदिनी नगर बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड से वसूली करने वाले 6 अपराधियों को धर दबोचा। एसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर मेदिनी नगर एसटीपीओ के विजय शंकर ने पुलिस टीम के साथ कई ठिकानों पर छापेमारी कर इन 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा एसपी चंदन सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर की। इतना ही नहीं, गिरफ्तार अपराधियों को आईपीएस के विजय शंकर ने मेदिनी नगर बाजार में भी इन्हें घुमाया और लोगों को इनके प्रति सतर्क किया गया। इस गिरफ्तारी में जो महत्वपूर्ण बातें खुलकर आई है वो ये है कि पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष परमेंद्र कुमार बाबू की भी संलिप्तता सामने आई है। उसके खिलाफ भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। हालांकि परमेंद्र कुमार बाबू की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देखिए ये तस्वीरें, और इस तरह की तस्वीरें शायद ही आप कभी देख पाते होंगे। पलामू की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस प्रशासन 6 रंगदारों को हिरासत में लेकर सरे राह सरे आम सड़कों पर घुमा रही है। बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड से ये वसूली किया करते थे और इन्हें पुलिस ने अपने साथ पूरे बाजार में घुमाया है और लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि आपको इस तरह के अपराधियों से डरने की जरूरत नहीं है। ये वही 6 अपराधी है जो बस स्टैंड ऑटो स्टैंड से अवैध वसूली किया करते थे। डब्लू सिंह गिरोह के लिए मेदिनी नगर बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड से वसूली ये करते थे। तो इस तरह की तस्वीरें देखकर निश्चित तौर पर आपको भी पुलिस प्रशासन पर गर्व होगा और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इस तरह के जो अवैध वसूली करने वाले अपराधी होते हैं वो सतर्क हो जाए, नहीं तो उन्हें भी इसी तरह से सरेराह सरेआम घुमाया जाएगा, पब्लिक के बीच में ले जाया जाएगा और लोगों के जहन से डर निकालने की एक कोशिश है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि आप भय मुक्त होकर अपने अपने काम को करें, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। सूचना मिल रहा था कि डब्लू के गैंग के आदमी हैं 4-5 लोग जो मिलके बस स्टैंड से और टेम्पो स्टैंड से पैसा तहसील रहे हैं, तो उसी सूचना के आधार पर हम जाके छापा मारे थे। तो यहाँ पे एक श्रीराम बस स्टैंड है, उसका गैराज में हम जाके में देखे तो उसमें 6 लोग हमें मिले जिनको हम गिरफ्तार किए हैं। उसमें इनका मेन आदमी है, एक लूडू नाम का है, एक लड्डू नाम का है, एक बिट्टू है और एक महेंद्र बाबू है जिसके पास जाके पैसा पहुँचाते हैं ये लोग, जो परमेंद्र का भाई है। परमेंद्र और मंटू तिवारी हैं 2 लोग, इनका अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाया है, ये भागे फिर रहे हैं। तो पैसा इनके पास पहुंचता है, इनके अनुपस्थिति में इनके भाई के पास जाता है। तो इनके भाई आज मिले हैं, बाकी लोगों की तलाश जारी है, जैसे ही मिलेंगे तो हम आपको अपडेट। हमारे साथ नीलकमल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। नीलकमल, जो तस्वीर निकली है पलामू से अपने आप में एक बड़ी बात है और निश्चित तौर पर प्रशासन पर एक विश्वास बढ़ाता हुआ आम लोगों का डर भय मुक्त करने के लिए जो ये अपराधी है जिन्हें हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि सरे राह 6 अपराधियों को घुमाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, और ये कहा गया है कि ये जो 6 अपराधी है वो बस स्टैंड ऑटो स्टैंड से अवैध वसूली करते थे, अवैध उगाही करते थे। जानकारी चाहेंगे आपसे। जी जिसान, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जो लोगों में ऐसे अपराधियों का जो भय है बना हुआ है, जो इस तरह के वारदात को अंजाम देते हैं, खास करके बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड में लगातार रंगदारी मांगने की खबर पुलिस को मिल रही थी। पूर्व में भी पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है, कई लोगों को गिरफ्तार किया है और एसपी एएसपी जो के विजय शंकर है वो लगातार ऐसे गिरोह के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, एसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर के विजय शंकर ने यह कार्रवाई की है और पुलिस की टीम जो है वो घेराबंदी कर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और सबसे खास बात है कि जो शहरवासियों में जो भय का माहौल था उसे खत्म करने का ये उद्देश्य था और यही वजह है कि उन्हें बाजार में अपराधियों को घुमाया गया है और माइकिंग कर लोगों से अपील भी किया गया है कि इस तरह के जो अपराधी होते हैं फोन से जो रंगदारी मांगते हैं उनसे सावधानी बरते और पुलिस को सूचना दे ताकि सबका एक ही अंजाम आखिरी में होता है, जिस तरह का आज
ये अपराधी के साथ हुआ, सरेआम ये गिरफ्तार भी हुए और सड़क पर इस तरह से पुलिस की गिरफ्त में ये नजर भी आए। तो पुलिस का मकसद था कि ऐसे जो है व्यवसायियों में भी खास करके जिस तरह का अपराधियों का दहशत होता है रंगदारी मांगने का, वो खत्म हो। यही उद्देश्य से आज अपराधियों को मेदिनीनगर के मुख्य बाजार में घुमाया गया है और पुलिस लगातार लोगों से अपील भी कर रही है कि किसी तरह का आपराधिक कॉल अगर आता है जी फिरौती और तुरंत पुलिस को सूचना दे। अच्छा नीलकमल, ये तो गुर्गे है जिनको गिरफ्तार किया गया है, अवैध वसूली करने वाला मुख्य सरगना, वो क्या पुलिस के हत्थे चढ़ा है? क्या उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस कुछ कर रही है? जी देखिए, मुख्य रूप से जो मुख्य नाम आया है वो परमेंद्र कुमार बाबू और उसके भाई जो है उनका नाम आया है जी। उसको पुलिस अभी उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा है, हालांकि वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, फरार है। और आपको बता दूं खास बात कि वो नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी परमेंद्र बाबू रह चुके हैं और बार बार नाम सामने आता था कि डब्लू सिंह गिरोह के लिए वो काम करते थे। इस बार भी पुलिस ने परमेंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की बात कर रही है और उसकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी, चूंकि उसकी संलिप्तता इसमें सामने दिख रही है। जिस तरह का जो गिरफ्तार अपराधी है वो उसके कंसेशन बयान के आधार पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा जी। जी अच्छा नीलकमल, चूंकि ये जो तस्वीर निकली है अपने आप में इस तरह के जो एक्ट होते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से निश्चित तौर पर बहुत कम देखने को मिलते हैं, एक फिल्मी स्टाइल में आप इसे कह सकते हैं। तो पुलिस अपने तरफ से तमाम कोशिशें करती है कि जो पब्लिक और पुलिस के बीच में रिलेशन है वो उसी मजबूती के साथ कायम रहे, विश्वास जो है पुलिस प्रशासन पर पब्लिक का वो बढ़े, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं निश्चित तौर पर ये अपना डर दिखाकर भय दिखाकर अवैध वसूली करते हैं। जितनी तारीफ की जाए पुलिस की नीलकमल कम है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि पूर्व में भी एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई थी जो व्यवसायियों से रंगदारी मांगता था, उसकी भी गिरफ्तारी जब हुई थी तो पुलिस इसी तरह उसे बाजार में घुमाया था, ताकि जो अपराधियों का भय होता है, भय की वजह से लोग जब कॉल आते हैं तो पुलिस को सूचना नहीं दी जाती है जी, वो डर जाते हैं, पुलिस के प्रति विश्वास नहीं होता है। लेकिन इस तरह का जो पुलिस जो अपराधियों को सामने ला रही है लोगों को इस रूप में, तो लोगों में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा, बिल्कुल उसको भी ज्यादा से ज्यादा सूचना मिलेगी। बिल्कुल, तो ये भी एक पुलिस की पहल है और मकसद है इस तरह का करने के पीछे जी। और आपको बता दूं खास बात है कि जब से के विजय शंकर चूंकि IPS है और मेदिनीनगर के SDPO फिलहाल हैं, तो लगातार इस तरह के आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होते रहे हैं। आपको भी पता होगा कई प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार हुए हैं जो अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं जी। तो मेदिनीनगर शहर में जिस तरह का आपराधिक जो लोग थे जिनका एक्टिविटी था, खास करके डब्लू सिंह गिरोह के हुए या फिर अन्य जो भी गिरोह के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के पीछे पूरी तरह से वो लगे हुए हैं और सफलता भी मिल रही है। चलिए, सफलता भी मिल रही है और निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन की ये जो पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाए गए जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग से डर कम होगा और इस तरह के जो अपराधी ऑटो बस स्टैंड से अवैध वसूली करते हैं उन्हें पुलिस ने सरेआम इस तरह से घुमाया है ताकि लोगों में इनका डर कम हो। और निश्चित तौर पर नीलकमल, दूसरे झारखंड के हिस्सों में भी जहां अवैध वसूली की जाती है, अवैध वसूली जो होती है ऑटो बस स्टैंड से बस स्टैंड से, उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगा और ये एक मैसेज तमाम लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।